हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एज यूजुअल आज शाम 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के। पिछली 20 क्लासों से आप लगातार कंटेंट देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न मैंने मेरी तरफ से आपको देने का प्रयास किया है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, ऐसी मेरी संभावना है। मेरी तरफ से जितना बेस्ट कंटेंट हो सकता है मैं अपने विद्यार्थियों को करंट का देने का पूरा प्रयास करता हूं। देखिए मित्रों, मेरी एक ये अपने आप में मुझे मेरा ये मानना है कि यदि एक भी विद्यार्थी मुझ पर ट्रस्ट करके, मेरे पर भरोसा करके, चाहे वो पेड कोर्स खरीदता है, चाहे या मेरी क्लास देखता है, या किसी भी रूप में मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करके वो देखता है, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि स्टूडेंट के उस भरोसे पर हम खरा उतरे। इसके लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, बेस्ट कंटेंट आप तक डिलीवर करेंगे। आपका ये दायित्व है कि आप इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं, उनके साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हम आपके लिए और किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न, राज्य का पहला नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और यह दौलतपुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट है वो दौलतपुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। मिशन लाइफ का संबंध किससे है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लो और आने वाले टाइम में यह प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। देखिए, एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव है वो भारत में आए और गुजरात में केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वहां से एक मिशन लाइफ शुरुआत की थी। और जो इस मिशन लाइफ का संबंध है वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित है। बाय द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट, इस तरह से एक नारा दिया गया था और पूरे विश्व को पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, अपनी स्थिति है, वो बदलनी होगी और हम सब के जो लाइफ स्टाइल है उसको मैं उस लाइफ स्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमें लाने होंगे, इसको लेकर के मिशन लाइफ है जो शुरू किया गया है। आज का तीसरा प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भी इंदौर शहर लगातार कौन सी बार शीर्ष स्थान पर रहा। प्रश्न थोड़ा जटिल हो सकता है। प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण आए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर फिर से टॉप पर रहा, लगातार टॉप पर रहा। जब से ये सर्वे लगातार आ रहे हैं तब से लगातार इंदौर ही टॉप पर है, तो 2022 के सर्वेक्षण में कौन सी बार इंदौर टॉप पर रहा, तो इंदौर लगातार 6ठी बार है जो टॉप पर रहा। देखिए इसमें दो कैटेगरी है, एक लाख से प्लस जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, या 1 लाख से ज्यादा है वो शहर, और उस शहर की कैटेगरी में इंदौर है जो लगातार 2017 के बाद लगातार 6वीं बार है जो टॉप पर रहा है। और एक दूसरी कैटेगरी है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को। तो प्रश्न जो कह रहा है उसमें शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ, वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें आप उस अफेयर को मत समझ लेना जो आप लोग कर रहे हो या कर जिस अफेयर में गुजर रहे हो। यहाँ ये मतलब है कि राज्य में लोक नीति का क्या स्थिति है, पुलिसिंग की क्या स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन संकेतकों की क्या स्थिति है। आप लोग मत लेना कि पब्लिक में जो अफेयर चल रहा है उनके बीच में क्या स्थिति है। देखिए, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भी तीन कैटेगरी है। एक है बड़े राज्यों की श्रेणी, एक है छोटे राज्यों की श्रेणी और एक है यूटी की श्रेणी, केंद्र शासित प्रदेश की। बड़े राज्यों की श्रेणी में 20 राज्य है, छोटे राज्यों की श्रेणी में 8 राज्य है। इन बड़े राज्यों की श्रेणी में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो पहला स्थान है, प्रथम स्थान है, वो इस बार हरियाणा को मिला है। किसको मिला है? हरियाणा को। आगे बढ़ते हैं। इतना ही बेहतर कंटेंट पाने के लिए आपका हमारे पेड कोर्स में स्वागत है। ₹199 की इस कोर्स की वैल्यू है। एक बार खरीदने के बाद अगले 1 साल तक आपके कोर्स जिसकी वैलिडिटी रहेगी। इस कोर्स में आपको हर महीने के 4 वीडियो आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ₹99 के मूल्य वाली आपको टेस्ट सीरीज जिसमें आपके 100 से अधिक टेस्ट है और 3000 से अधिक प्रश्नों का समावेश है, इतना बढ़िया ये आपको ऑफर चल रहा है, इसमें मिलने वाली है। और कुछ दिनों बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जानी है। एक लिमिटेड कोर्स हमने रखे हैं कि इतने कोर्स सेल हो जाने के बाद हमारी कोर्स निकल जाएगी, फिर हम इसको प्राइस को बढ़ा देने वाले हैं। तो आप लोग यदि इस कोर्स को परचेज करते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ था। ये राइट आंसर है।
भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा और नवी मुंबई में ये मैच खेले गए थे। फीफा अंडर 17 महिला का जो विश्व कप हुआ वो था और भारतीय महिला टीम भी इसमें खेली थी। किस हैसियत से? आयोजक होने की टीम से। जो विश्व कप की मेजबानी करता है उस देश की टीम उस विश्व कप में खेलती है, इस नाते भारत की टीम भी इस विश्व कप में खेली थी। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य की मेजबानी में हुआ? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 36वें राष्ट्रीय खेल है वो गुजरात की मेजबानी में संपन्न हुए और गुजरात ने इनकी पहली बार मेजबानी की है, प्रथम बार मेजबानी की है। इन खेलों में जो सर्वोच्च स्थान है वो सशस्त्र बलों की टीमों ने, यानी सर्विसेस की टीम टॉप रही थी मेडल लिस्ट में, मेडल टैली में सर्वोच्च स्थान किसको मिला? स्पोर्ट्स को, सर्विसेज को, सर्विसेज स्पोर्ट्स को, जो सेना के खिलाड़ी है उनका जो क्लब है उनको। और ये लगातार चौथा है नेशनल गेम्स जिसमें सर्विसेज टॉप पे आए हैं, बलिंदर ट्रॉफी उनको मिली है। अगला सवाल, लीजेंड्स क्रिकेट लीग यानी कि जो सीनियर क्रिकेट के खिलाड़ी है जो रिटायर्ड हो गए हैं, 2022 का खिताब, आईपीएल की तर्ज पर भी उनका ही एक खिताब जो लीग चलती है जिसे बोलती है लीजेंड्स क्रिकेट लीग। इसमें इस बार का जो 2022 का जो खिताब है ये इसका दूसरा संस्करण था, दूसरा एडिशन है या इसका दूसरा संस्करण है। ये जो खिताब है ये इंडिया कैपिटल्स ने जीता है, राइट आंसर है। किसको हराया? भीलवाड़ा किंग्स को हराया। भीलवाड़ा किंग्स जिसको हराया उसके कप्तान थे इरफान पठान और यूसुफ पठान, दोनों एक ही टीम से कप्तान इरफान पठान थे। दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान थे वो गौतम गंभीर थे। इसके अलावा इस लीग में तीन टीमें थी, तीसरी टीम मणिपाल टाइगर्स रही थी। अगला प्रश्न, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहले तो मैं बात कर लूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसकी, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक एक एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड इस नाम से एक एनजीओ है वो इसको जारी करता है। और इसमें जो इस बार कुल शामिल देशों की यदि बात कर लूं तो कुल 121 देशों के आधार पर इसमें रैंक जारी की गई थी और 121 देशों में से भारत की जो रैंक है वो 107वीं रखी गई थी। तो प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन राइट है, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। खारिज करने लायक ही ये रिपोर्ट है, बिल्कुल इतनी कोई भारत में भूखमरी नहीं है जितनी इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। इस रिपोर्ट के पैरामीटर केवल चार आधार है कि बच्चों में किस प्रकार से कुपोषण है उसको लेकर के, है ना, बच्चों में अल्प पोषण किस प्रकार से वो लेकर के। सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात इस रिपोर्ट में थी कि भारत के पड़ोसी देश जहां अस्थिरता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको रिपोर्ट में भारत से आगे रखा था, केवल अफगानिस्तान भारत से पीछे था। यह रिपोर्ट हमें किसी भी सूरत में वैसे भी मंजूर नहीं थी, भारत सरकार ने अच्छा किया इसको रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए तो 107 ये चलो डी लगा लो, कोई नहीं, 107 बताया तो सही था कि भारत 107वें स्थान पर है, डी ऑप्शन है। तो 121 देशों में से भूखमरी वाले सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर है, ये हम हजम कर ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं, ये तथ्य ही गलत बताए गए। पर मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं पिछले एक दो साल से जितनी भी एजेंसियां हैं सारी रेटिंग्स भारत को कम दे रही हैं, इस सूचकांक में भारत को नीचे से नीचे स्थान पर रखने का प्रयास कर रही है। क्यों? इसका एक कारण यह भी है कि ये सारी रेटिंग एजेंसियां भारत की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रही है, भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती बाघ अभ्यारण किस राज्य में है? तो ये दुर्गावती बाघ अभ्यारण है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। थोड़ी सी बात हम इससे पहले की कर लें तो 52वां टाइगर रिजर्व यदि हम कर लें बात, तो 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया था आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण को, राजस्थान से संबंधित है इसलिए बता रहा हूं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण इसको टाइगर रिजर्व बनाया है। ये देश का 52वां है, राज्य का ये चौथा है, राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। सरिस्का, रणथंबोर के और मुकुंदरा हिल्स के बाद ये रामगढ़ विषधारी है, ये राज्य का चौथा है। प्रश्न कह रहा है कि दुर्गावती बाघ अभ्यारण किस राज्य में है जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो वो मध्य प्रदेश में है और उसके चर्चा में रहने का कारण है कि वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आज के इस पटारे का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत व फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य, भारत व फ्रांस की कौन सी सेनाओं के मध्य? वायु सेनाओं के मध्य गरुड़,
सेवन नामक युद्ध अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य गरुड़ सेवन जो युद्ध अभ्यास हुआ वो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर संपन्न हुआ। यदि मैं बात कर लूं भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं के मध्य तो भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं के मध्य जो ऑपरेशन स्थापित किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वरुण। और यदि मैं बात कर लूं वायु सेनाओं की तो उसका नाम है गरुड़। इन दोनों चीजों को आप अच्छे से याद रखना, ये दोनों चीजें आपके काम आने वाली है। तो मित्रों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और आप इसे लाइक करें, जरूर करें, कमेंट करके ये बताएं कि कैसा लगा सेशन। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आज ही देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर जरूरी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकते हैं। आप सभी की परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू।